नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवर दर्शन। इस समय 12:15 बजे हुए हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मतदान के बाद मतगणना का इंतजार सबको था। 12:15 बजे तक का ताजा हाल हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं विंध्य की सीटों पर। विंध्य में शहडोल में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक मतों से जीतने जा रही। अभी तक का हाल वो यही कह रहा है। यहां पर से हिमांद्री सिंह 1,54,675 वोटों से, लगभग इतने वोटों से कांग्रेस की प्रतिमा सिंह से आगे चल रही हैं। वहीं हम आपको बता दें, रीवा से ही जनार्दन मिश्रा 55,784 वोटों से सिद्धार्थ तिवारी से आगे चल रहे हैं। बात की जाए सीधी सीट की तो यहां पर से कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल रीति पाठक से लगभग 76,798 वोटों से पीछे बताए जा रहे हैं। बात की जाए सतना सीट की तो यहां पर से गणेश सिंह चौथी बार जीतने जा रहे हैं। वो राजा राम से इस समय 67,187 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुछ मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर से। तो जबलपुर से राकेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, विवेक तनखा से 1,33,455 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए छिंदवाड़ा सीट की तो छिंदवाड़ा कमलनाथ का गृहग्राम, कमलनाथ जी यहां से सांसद हुआ करते थे, इस बार उनके पुत्र यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वो इस समय महज 33,817 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के नाथन शाह से आगे बताए जा रहे हैं। अगर बात की जाए एक और बड़ी सीट की, वह कांग्रेस के सर्वाधिक दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय 52,224 वोटों से केपी यादव से पीछे चल रहे हैं। अगर बात की जाए बालाघाट सीट की तो बालाघाट सीट से डाल सिंह बिसेन मधु भगत से 50,485 वोट से आगे। और एक और सीट पर नजर डाली जाए, इस सीट पर सबकी नजर थी, मैं बात कर रहा हूं भोपाल सीट की, तो यहां से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर दिग्विजय सिंह से 6,594 वोटों से आगे चल रही हैं। इस समय दोपहर के लगभग 12:15 बजे हैं। जैसे जैसे सुबह की गर्मी बढ़ती चली जा रही है, दिन में लगातार तापमान बढ़ता चला जा रहा था, उसी तरीके से राजनीतिक क्षेत्रों में भी तापमान बढ़ता चला गया और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 29 में से 28 सीटों में इस समय आगे चल रही है। हम एक घंटे बाद आपके साथ फिर से एक बार मुलाकात करेंगे ताजा हालात के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए रीवा दर्शन।